हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जितना भी मैं प्रैक्टिस बेस डेली बेसिस पे करा रही हूँ, यदि आप पूरे शिद्दत से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे दोस्तों, एंड मैंने थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया हुआ है सभी टॉपिक का, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एंड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड मैंने बीपीएससी टीआई 2 में इंग्लिश हिंदी दोनों में एक एक टॉपिक को बहुत गहराई से मेन मेन चीज़ों को मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है। 79-80 वीडियोज है, उसको जाकर जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और यह 2024 के ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का 94वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इतने सारे मैंने करा दिए हैं और कराती रहूंगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, एशिया की धरती पर पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ? तो सबसे पहले एशिया की धरती पर 1964 टोक्यो जापान में हुआ। उसके बाद तो आपका 1908 बीजिंग ओलंपिक, एंड फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक एशिया की धरती पर ही हुआ। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहां पे कोई ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में यदि फाउल हो जाता था तो उसे क्या किया जाता था? तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो भी फाउल होता था उसको हंटरों से पीटा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर पारितोषिक यानी रिवार्ड जीता था? तो वो था दोस्तों, उसका नाम था किंग नीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो दोस्तों, विजेताओं को सर्वप्रथम स्वर्ण पदक प्रदान किया गया 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि ठोस स्वर्ण पदक सबसे पहले कब प्रदान किया गया, सबसे पहले स्वर्ण पदक 1904 सेंट लुइस में, लेकिन ठोस स्वर्ण पदक प्रदान किया गया 1912 स्टॉकहोम स्वीडन ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक पियर डी कुबर्टिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये फ्रांस के थे, उनकी मृत्यु जो है 1937 में हो गया था। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक प्रतियोगिता में पहली बार शपथ लिया गया? दोस्तों, आप सबको पता है 1920 एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ लिया गया, पहली बार कबूतर भी छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में से कौन सा ओलंपिक आयोजन का स्थल सर्वोच्च ऊंचाई, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा ओलंपिक आयोजन का स्थल सर्वोच्च ऊंचाई पर रहा है? तो सर्वोच्च ऊंचाई पर जो है 1968 मैक्सिको ओलंपिक जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित ओलंपिक रहा है, हाई एल्टीट्यूड पर। नेक्स्ट है, इनमें से क्या सही है? दोस्तों, यहाँ पे बाधा दौड़ की बात कर रहा है, तो 100 मीटर बाधा दौड़ जो है महिलाओं के लिए होता है, जिसमें बाधा की ऊंचाई 0.84 होता है। इसका मतलब यह गलत है, इसमें क्या सही है देखना है। एंड 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए होता है, जिसका बाधा की ऊंचाई 1.067 मीटर होता है, यह भी आपका गलत है। एंड यहाँ पे 400 मीटर अगर महिला की बात करें तो 0.762 होता है, एंड पुरुष की बात करें तो 914 होता है, ये भी गलत है, क्योंकि 0.84 जो है 100 मीटर का महिला का ऊंचाई होता है। यहाँ पे राइट है, 400 मीटर महिला का यहाँ पे बाधा की ऊंचाई 0.762 होता है, यहाँ पे राइट आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त वी ऑक्सीकृत यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि अशुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, यहाँ से जो हीमोग्लोबिन होता है रक्त के माध्यम से लेकर कोशिकाओं में जाता है, कोशिकाओं में जब ऊर्जा बनता है एरोबिक एक्सपायरेशन यानी क्रेब्स चक्र के द्वारा, तो उस कंडीशन में जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज पर अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाती है, एटीपी बनाती है, और उस माध्यम में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी एटीपी प्राप्त होता है। एटीपी यानी ऊर्जा को हम अपने कार्य के द्वारा उपयोग कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल आता है, और जो जलवाष्प होता है पसीने के द्वारा बाहर निकल आता है। तो रक्त अशुद्ध हो जाता है पेशियों में, अशुद्ध कहाँ पे जाके होता है दोस्तों, फेफड़ों में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जांघ के सामने की पेशियों को क्या कहते हैं। जांघ के सामने की पेशियों को दोस्तों क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहा जाता है, जिसे चतुश्रेष्ठ पेशी हिंदी में कहते हैं। तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होता है चार पेशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, ये चारों मिलकर क्वाड्रिसेप्स मसल्स बनाती है। और यह जो है जांघ को फैलाने में, पैर को फैलाने में, घुटने को फैलाने में और हिप को मोड़ने में काम आता है। और जांघ के सामने क्वाड्रिसेप्स, जांघ के पीछे जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है जो घुटने को मोड़ने में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन है। आप सबको पता है लार्जेस्ट मसल जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, एंड लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी मसल सार्टोरियस है। नेक्स्ट दोस्तों पेशियां बदल देती हैं, तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती हैं, जिसे हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मानव अस्थि के मुख्य तत्व क्या है। तो आप सबको पता है वेरी इजी क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फोरस जो है अस्थियों दांतों के लिए सबसे मुख्य तत्व होता है। नेक्स्ट दोस्तों शिशु का अस्थि यानी जो जन्मजात बच्चा होता है उसका जो कंकाल प्रायः किससे बना होता है। तो आपने कहीं ना पढ़ा होगा ये उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है, बाद में यह मजबूत होकर हड्डी का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है तंतु यानी फाइबर, यानी जो मांसपेशी फाइबर तंतु होता है उसमें ऑक्सीजन के भंडार का काम करने वाली संरचना कौन होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी टीआई 2 में कि तंतु फाइबर में ऑक्सीजन के भंडार का काम करने वाली संरचना कौन है, तो वह है मायोग्लोबिन। याद रखिएगा मायोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की अस्थियां ताकत प्रदान करने का कार्य करती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस तो कई बार हमने पढ़ा हुआ है कि छोटी अस्थियां जैसे कि हमारी एड़ी की अस्थियां कल्केनम जो है शरीर को ताकत प्रदान करती है, पूरे शरीर का भार उजती है संभालती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बुक में लंबी अस्थियां दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सही आंसर आपके मन में आप दिमाग से सोचिए छोटी अस्थियां होंगी, बट यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कहीं ना कहीं सर्च करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आखिर में पूछ देगा तो दिक्कत में फंस जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अस्थियों का घनत्व तो ज्यादा होता है, तो अस्थियों का घनत्व तो दोस्तों पुरुषों के महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है, ठीक है। पुरुषों में अस्थियों का घनत्व तो, यानी डेंसिटी ऑफ बोन अधिक होता है, पुरुषों में 3.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि महिलाओं में 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें कौन संधियां यानी ज्वाइंट्स को संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। सेम यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी टीआई 2 में दोस्तों कि कौन संधियों यानी ज्वाइंट्स के संचालन को सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। सेम यही क्वेश्चन आप जाके देख लीजिए, यह कौन होता है ज्वाइंट को सीमित करने के लिए, वो होता है दो हड्डियों को जोड़ता है जोड़ों पर अस्थिबंध यानी कि लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है और गति को संचालन संधि को यानी ज्वाइंट को संचालन करने के लिए सीमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। और जो टेंडन होता है वो कंकाल पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है जाइगोमैटिक बोन कहाँ होती है। तो दोस्तों जाइगोमैटिक जो बोन होती है वह खोपड़ी में होता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोहनी के आकुंचन यानी फ्लेक्शन किसके द्वारा होता है। तो हम बांह को मोड़ते हैं यानी फ्लेक्शन करते हैं तो किस कौन काम कर रहा है, तो बाइसेप्स मसल्स, ठीक है। जो हमारे बांह की बाइसेप्स मसल्स है कोहनी को मोड़ने यानी फ्लेक्शन करने में काम आता है। और उसको फैलाता कौन है एक्सटेंशन में, उसके पीछे बाइसेप्स के पीछे बाइसेप्स मसल जो है एक्सटेंशन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप ज्वाइंट का सबसे मजबूत अस्थिबंध लिगामेंट कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी टीआई 2 में दोस्तों कि हिप ज्वाइंट का सबसे मजबूत अस्थिबंध लिगामेंट कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इलियोफेमोरल, ठीक है। इलियोफेमोरल लिगामेंट जो है जो हिप का ज्वाइंट है उसके सबसे मजबूत अस्थिबंध है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि हिप ज्वाइंट का सबसे मजबूत लिगामेंट कौन सा है, अस्थिबंध कौन है, तो इलियोफेमोरल है। यह क्वेश्चन पूछा था, आप पूछ भी सकता है आगे। नेक्स्ट दोस्तों किस प्रकार का उत्तोलक बाहू के उत्थापन यानी कि लिफ्ट करने में उठाने में यानी यहाँ पे उत्थापन में सर्वाधिक प्रभावकारी है। तो दोस्तों बाह को मोड़ना एंड हाथ को ऊपर उठाना,
ये दोनों चीज़ें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आती हैं, जिसमें फोर्स बीच में होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आपका हेमस्ट्रिंकल, घुटने का मुड़ना, सिट अप, हाथ को ऊपर उठाना, आर्म फ्लेक्शन आपका होता है। यहाँ पे बाहों को ऊपर उठाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, याद रखिए, बाहों को मोड़ने की बात करेगा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, बाहों को फैलाने का बात करेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। नेक्स्ट है, बाह का ऊपर उठाने में कौन सी मांसपेशी मुख्य रूप से सम्मिलित है? तो दोस्तों यह मसल्स होती है, रोटेटरी कॉफ मसल्स। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाह को ऊपर उठाने में कौन सी मसल्स मुख्य रूप से भूमिका निभाती है? तो रोटेटरी कॉफ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेतना यानी कॉन्सियसनेस के किस स्तर को आसानी से बोधगम्य बनाया जा सकता है, अंडरस्टूड बनाया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपका चेतना की बात कर रहा है, ये बात आ जाएगा सबकॉन्सियस ब्रेन यानी अवचेतन मन में। नेक्स्ट है, वह संघर्ष जिसमें बालक माता पिता के स्नेह प्यार के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है, क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह भी, तो यह कहलाता है एडिपस कैप्लेक्स, यानी प्यार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए अपने पिता से प्रतिद्वंदिता महसूस करता है, इसको एडिपस कैप्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, नेतृत्व की कौन सी शैली टीम की पूरी जवाबदेही लेती है? दोस्तों तो वह आपका शैली होता है निर्देशात्मक शैली। नेक्स्ट है, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है, तो दोस्तों दर्शकों द्वारा जो प्रोत्साहन है वो सामाजिक प्रेरणा यानी सोशल मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक मूल्यांकन कॉग्निटिव इवोल्यूशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था दोस्तों डेसी ने। नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के नियत से किए गए व्यवहार को क्या कहते हैं? तो उसको आक्रमण कहते हैं दोस्तों। आक्रामकता को एक अलग ये है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आक्रामकता यानी कि दिखा रहे हैं बिना दूसरे के हानि पहुंचाए वो अच्छा होता है, लेकिन दूसरे के हानि पहुंचाने वाला आक्रामकता खराब होता है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विशिष्ट नैतिक भुजा यानी स्पेसिफिक मोरल और पर्सनालिटी क्या है? दोस्तों जिसमें नैतिक मन की बात करें वहाँ पे सुपर ईगो, परा अहम की बात, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो नेता निश्चयीकरण में पूरी छूट देता है और समूह के क्रियाकलाप में भागीदार नहीं बनता है वह क्या है? तो दोस्तों वह कहलाता है अहस्तक्षेपी। नेक्स्ट है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह कैसी है? तो दोस्तों आप सबके लिए शिक्षा जो है उपयोगी होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयोगी व मूल्यवान है। नेक्स्ट है, बड़ा भाई छोटे के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या होता है?